बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखोगे अभी आप, ये इसके आगे लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉमिनल। अभी रुक जाओ, बाद में कॉपी करना, समझ लो नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं वो नॉमिनल वाला नहीं है बेटा, जो अपना अकाउंट से पढ़ के आ रहा नॉमिनल अकाउंट वो नहीं है, ये अलग है। तो अगर नॉमिनल अकाउंट बोल रहा हूँ मैं, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है चीज़ तुम ध्यान से समझना। नॉमिनल मतलब क्या है यहाँ पर, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक सिंपल एक एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो क्या आपके लिए एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर इफेक्टिव रेट ऑफ क्या होगा फिर हिसाब से, जो एनुअली मिल गया तो एनुअल रिटर्न, एनुअली रिटर्न कितना पैसा आपको एनुअली रिटर्न मिला उसे क्या बोलेंगे हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इससे समझ में नहीं आया होगा क्या मैंने बताया, समझ में आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, किसी को भी नहीं आया, समझते हैं। मान लो बेटा आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है 100 रुपये, क्या दे रखा है 100 रुपये, और रेट गिवन है 6% पर एनम। हाँ भाई कितना रेट है 6% पर एनम, टाइम दे रखा है 1 ईयर, क्या दे रखा है ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है ना हाफ ईयरली दे रखा है, हाफ ईयरली, साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर्मूला क्या बन जाता है अमाउंट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1+, देखो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/2 कितना गए 3%, तो 3/100 वेरी गुड। और एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, तो 2 से ऊपर पावर 2 कर देंगे, ये कितना गया 0.03 पावर 2। अपना अपना कैलकुलेटर उठाओ बताओ कितना आएगा, 1.03 की पावर 2 करो फटाफट, फोन गिरना नहीं कैलकुलेट करना है, कितना आया 1.03 × 1.03, इतने से बिना कॉपी बिना पेन के कर देता मैं, ये 1.06 09 ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 106.09। हाँ है ना, आपका प्रिंसिपल कितना था 100 रुपये, अमाउंट कितना बन गया 106 रुपये 9 पैसे, 106 रुपये 9 पैसे। जो ये 6% गिवन था इसे हम क्या नाम देंगे, नॉमिनल, क्योंकि ये एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। एक बात बताओ मुझे आप, 100 रुपये था 106 रुपये 9 पैसे हो गया, तो बेटा टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया हमने, एनुअली कितना रिटर्न कमाया मैंने, 6 रुपये 9 पैसे नहीं, हाँ है ना, इसे क्या बोलूँगा मैं एनुअली रिटर्न। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे साल में 2 बार ब्याज दो, साल में 4 बार ब्याज दो, महीने में दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कमाया कितना रियल में 6 रुपये 9 पैसे, हाँ है ना, फिर समझ। तुम दो दो बार कैलकुलेटर करके दिखा रहे हो इतनी लंबी सर, मुझे समझ नहीं आता है सर। आपका रेट 6% था, हमारा आंसर कितना है, मैंने साल में कितना कमाया 6 रुपये 9 पैसे बस। एक काम करो फिर, 6 रुपये 9 पैसे को डिवाइड कर दो 100 रुपये से, क्योंकि प्रिंसिपल कितना था आपका 100 रुपये, और इंटू पे फिर कर दो 100 रुपये। आप क्या कहोगे कि सर आपने 6.09% पैसा कमाया है, कितना कमाया आपने एनुअली 6.09%, और इसी रेट का नाम क्या है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इफेक्टिवली आपने केवल 6.09% अर्न किया है। बात समझ में आ रही है, आपको साल में 2 बार ब्याज मिल रहा है, 4 बार ब्याज मिल रहा है 6% के हिसाब से, जो भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रिंसिपल क्या था और रियल में क्या मिला उनका जो डिफरेंस है उस पर कितना आपको प्रिंसिपल कितना अमाउंट कितना इंटरेस्ट मिला, ताकि आपको ये वाला आंसर आ जाए, उसे क्या बोलेंगे हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात क्लियर है, तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.09%। तो अब एक सिंपली काम करो, 100 रुपये का 6.09% कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.09, और इसे ऐड कर दो कितना आ जाएगा सेम, और यहाँ भी देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ है ना, तो इसे बोलेंगे नॉमिनल अमाउंट, और एक को बोलते हैं इफेक्टिव अमाउंट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई डाउट उनमें।
पक्का। एक एग्जांपल और देंगे, पहले से कॉपी करो। देखो अभी हम बात करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज, इसका यूजेस क्या है, अप्लाई कैसे करें। अभी आपने जानना चाहा कि सभी तो आपने देखा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था, ठीक है, अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना लिया मैंने, 20,000 रुपये लिया। कितना लिया? 20,000। 20,000 रुपये का एक साल के बाद अमाउंट क्या बनने वाला है? पहले इंटरेस्ट की बात करूँ। देखो इंटरेस्ट कितना था आपके पास, इंटरेस्ट रेट क्या आया था, 6.09% था। तो 20,000 मल्टीप्लाई 6.09% ये आपके पास आ जाएगा 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई 6.09 आपके पास आ गई 1,218 रुपये। हाँ है ना, अब इसमें 20,000 ऐड कर दो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 21,218 रुपये। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? आपने 20,000 रुपये बैंक में जमा किया और आपके पास एक साल कितना पैसा बन गया, 21,218 रुपये। ये मैंने कैसे निकाला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब यही आप जानना चाह रहे हो और इसमें देखो कितना लंबा प्रोसीजर होगा। ये तो इफेक्टिव रेट से आपने एक बार में निकाल लिया, सेम क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना था, 20,000, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना था आपके पास, 6%, लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे, सेम लॉजिक 3% के हिसाब से, और एन क्या हो जाएगा आपका 2। तो 20,000 1+3/100 की पावर 2, ये कितना आ गया, 1.03 का स्क्वायर। 20,000 को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 1.0609। 20,000 मल्टीप्लाई 1.0609 ये कितना, मल्टीप्लाई करने में कितना आया था, 21,218 रुपये। अब बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट इजी लगा, नॉमिनल रेट से जानना आपके लिए इजी रहा कि इफेक्टिव रेट से जानना इजी रहा? इफेक्टिव रेट से क्यों इजी रहा? अगर आपने एक बार इतना समझ में आ जाए ना आपको एक बार कि भैया मेरा एनुअल रिटर्न कितना है, तो आप कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, 20,000 हो, 20,000 हो, 10,000 हो, आपको सिंपली उससे मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकालना और ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। दोबारा रिपीट करूँ, आपने कितना पैसा बैंक में जमा किया, 20,000 रुपये, आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6.09%। कहने मतलब ये है कि 100 रुपये जमा करते हो तो 6.09 रुपये कमाते हो, ठीक है। तो बेटा तो कितना कमाओगे, कॉमन सी बात है, जब 100 रुपये जमा किया तो 6.09 रुपये कमाया, तो जब 20,000 जमा कर दोगे तो ज़्यादा नहीं कमाओगे, हाँ है ना, कितना कमा लोगे, 1,218 कैसे आया, इसी का इससे परसेंट निकाल दिया। कोई डाउट मन में, और जब डाउट क्या मन में बताओ, क्या बोलते हैं, ये तो हमारे 100 का था ना इंटरेस्ट ऑफ वाला, ये 100 रुपए का था, ये तो मैंने प्रिंसिपल 100 रुपए था, लेकिन आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.09 था कि नहीं था, मतलब ये जो ये रेट आ गई अब हर किसी में यूज़ किसी भी, अब तुम चाहे 1.5 लाख का निकाल लो, चाहे 2 लाख का निकाल लो, आपका अमाउंट आ जाएगा। आप एक काम करो, एक होमवर्क, प्रिंसिपल 1.5 लाख का इसी तरीके से करना और 1.5 लाख का इसी तरीके से करना, ठीक है, तब देखना दोनों का अमाउंट कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। देखो इफेक्टिव रेट का मतलब ही यही होता है कि आपने एनुअली में कितना रिटर्न आपको मिला, 100 रुपये जमा किया तो कितना कमाया आपने, 6.09 रुपये, तो 20,000 जमा करोगे कितना कमाओगे, 1,218, उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली था। बस यहाँ पर फर्क कितना है कि आपको पावर में 2, 3, 4 बार अलग अलग करना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, एक बार इफेक्टिव रेट निकल गया तो काम चल जाता है। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हो जाएगा 1+(n-1)। कोई डाउट यहाँ तक, अगर कर लो, देखो जैसे आप कितना भी हाफ ईयरली होगा तो रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, एनुअली होगा तो सेम रहेगा, क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड, सिंपली करना, और माइनस में क्या कर दो यहाँ पर 1। इसी तरह आपको इतना सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी काम चला सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक?